हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज का जो सेशन होने वाला है, आज की जो क्लास होने वाली है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का अगर मैं कहूं तो रामबाण क्लास है। आप चाहे पूरा प्रॉफिट एंड लॉस, वैसे तो पूरा ही करना चाहिए, लेकिन अगर जिसको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं समझ आ रहा, वो ये चार टॉपिक कर लेना, 90% चांसेस होंगे कि इन चार टॉपिक में से उसका क्वेश्चन टकरा जाएगा। और अगर पूरा करके जा रहे हो और इसे नहीं करके जा रहे हो, तब भी नुकसान होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ना बहुत सारे, वैसे तो मेरी जो सीरीज चल रही है उसमें मैं सारी चीजें किससे करा रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट से, जो बेसिक फॉर्मूला है उसी से सारी चीजें करा रहा हूं। और जो देख रहा होगा उसे समझ आ रहा होगा कि हम सारी चीजें किससे कर रहे हैं, बेसिक कंसेप्ट से। लेकिन कई जगह मैंने कहा था बेसिक कंसेप्ट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वहां पे हम ट्रिक्स या फिर जैसे भी समझो वो कर सकते, ट्रिक्स या फिर जो भी तरीका जिससे आपकी थोड़ी स्पीड हो जाए तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये चार केसेस ऐसे हैं, 1, 2, 3, 4। हालांकि क्लास में मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूं, लेकिन वहां थोड़ा अलग फ्लो चलता है, इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाने का सोचा, ठीक है ना। तो सुनना मैं क्या कह रहा हूं। पहला केस होता है इफ सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, आर सेम एंड प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज। मैं इनके डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं लिखूंगा, इन्हें एक्सप्लेन भी करूंगा क्वेश्चन के थ्रू। तो अगर पूरी वीडियो देख ली तो आपको ये तो समझ आएंगे आएंगे चार टॉपिक, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। ये देन नो प्रॉफिट नो लॉस, मैं चारों केस एक्सप्लेन करूंगा। केस नंबर टू, इफ सीपी आर सेम एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंटेज, तब पी माइनस एल बाय टू, ये आपका आंसर होगा। और अगर आंसर प्लस में आया तो प्रॉफिट होगा, अभी सब एक्सप्लेन करूंगा। अगर आंसर माइनस में आया तो लॉस होगा। कॉपी में लिखते रहना या पहले देख लो फिर लिखना। अगर तीसरा केस, इफ एसपी आर सेम एंड प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू लॉस परसेंटेज, तब आपका हर बार होगा एक्स स्क्वायर बाय 100 और ये हमेशा होगा लॉस। क्या होगा? लॉस। और केस नंबर फोर जो है आपके पास, केस नंबर फोर, इफ एसपी आर सेम एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज नॉट इक्वल टू लॉस परसेंटेज, तब क्या होगा। अब मैं इन चारों केस को वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा, इनकी जो ट्रिक है उसे एक्सप्लेन करूंगा। हालांकि उस वीडियो में मैंने अलग अलग लेवल पे इन्हें एक्सप्लेन कर रखा है, लेकिन ये कंबाइंड वीडियो बहुत जरूरी है एक एस्पायरेंट के लिए। क्यों? क्योंकि उसको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है, उसको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? चलो अब सुनना, अब डील करते हैं वन बाय वन, ठीक है। चलो केस नंबर वन, मान लो दो ऑब्जेक्ट है, एक ए और बी, ये कितने रुपए का खरीदा, मान लो कितने भी रुपए का, मान लो 50 का, मान लो 100 का, मान लो 12 का, मान लो 10 का, मान लो कितने का भी। 100 इसलिए मान ले ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ये भी कितने का खरीदा? 100 रुपए का। इसमें इसको हुआ 10% प्रॉफिट, इसमें इसको हुआ 10% लॉस। तो ये कितने का बिका होगा दोस्तों? ये 110 का बिका होगा और ये कितने का बिका होगा? 90 का। अगर आप देखो कुल खरीद कितनी हुई है, 200 रुपए, और देखो कुल बेच कितनी हुई है, 200 रुपए। यानी कि आपको ना तो प्रॉफिट हुआ और ना ही लॉस हुआ।
लेकिन ये कब हो रहा है, जब दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल हो लॉस परसेंटेज के। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये कंडीशन कब मैच करेगी, जब दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंटेज किसके इक्वल हो, लॉस परसेंटेज के, तब ये कंडीशन मैच करेगी, तब ये कंडीशन मैच करेगी। समझ आ रहा है? चलो, अब कोई चाहे ना, जो पेपर के लिए तैयारी कर रहा है और जिसे ट्रिक्स नहीं पसंद है, वो इस कंसेप्ट से भी कर सकता है। मानो ट्रिक वाले को लगेगा 1 से 2 सेकेंड, आपको लगेंगे 10 सेकेंड, अंतर तो है लेकिन आंसर दोनों का आएगा। ठीक, केस नंबर 1। ये चारों केस अगर आपने समझ लिए तो पेपर में डेफिनेटली आपके पास अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आया तो आप सही भी करोगे और फास्ट भी करोगे। केस नंबर 2, मान लो एक चीज खरीदी इसने 100 रुपए की, दूसरी भी खरीदी 100 रुपए की, इसमें प्रॉफिट परसेंट हुआ मान लो 10%, इसमें लॉस परसेंट हुआ मान लो 8%। इसी को मैं एक दूसरे एग्जांपल से भी करा देता हूं। इसका कॉस्ट प्राइस 100, इसका भी कॉस्ट प्राइस 100, इसमें प्रॉफिट परसेंट हुआ 8%, इसमें लॉस परसेंट हुआ 10%। अब देखते रहना इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110। इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 92, 100 में से 8 गया, ये कितना हो गया 202, यानी कि सेलिंग प्राइस टोटल हो गया 202 और कॉस्ट प्राइस टोटल कितना था 200। कितने का डिफरेंस है, 2 का। कितने का डिफरेंस है, 2 का। अगर मैं परसेंटेज में चेंज करना चाहूं तो इस 2 को ऊपर रखूंगा क्योंकि प्रॉफिट है, और ऊपर रखते हैं डिनोमिनेटर में रखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 200। और हमने इस केस के लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, P-L/2, और वो भी किसमें, परसेंटेज में। प्रॉफिट कितना है इस केस में बच्चों, 10। लॉस कितना है इस केस में बच्चों, 8/2, 1%। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, 1%। समझ आया? चलो, अगर इसी को मैं इस तरीके से करता, यहां पे सेलिंग प्राइस आता 108 और यहां पे सेलिंग प्राइस आता 90, अब कितना हो गया 198 और खरीद कितनी थी 200, तो ये साफ दिख रहा है कि 2 रुपए का लॉस हुआ है। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस बटे सीपी। सीपी कितना है, 200 × 100, 1% का क्या हुआ, लॉस। अगर मैं बाय फॉर्मूला चलता तो फॉर्मूला क्या था, P-L/2, प्रॉफिट कितना है बच्चों, 8, लॉस कितना है बच्चों, 10, तो -2/2 दैट इज -1%, और माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। तो देखो फॉर्मूले की अहमियत समझ आई ना, फॉर्मूले की बहुत अहमियत होती है, लेकिन अपनी बात अपनी जगह, कि आपको डिपेंड करना है कि आप किससे करना चाह रहे हो। बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मतलब ट्रिक से भी कर सकते हो और विदाउट ट्रिक भी कर सकते हो। कॉस्ट, और हमने शुरुआत में पहले दिन में आपको याद है एक बात कही थी प्रॉफिट लॉस में, कि सीपी को आप 100 मान सकते हो, एसपी को हर जगह 100 नहीं माना जा सकता। अगर ऐसा करते हो तो आपके कई आंसर गलत आएंगे, इसलिए सीपी वाले की ट्रिक याद करो ना करो, एसपी वाले की ट्रिक और कंसेप्ट तो जरूर कर लेना, क्योंकि वो आपको बहुत तकलीफ देगा या फिर बहुत परेशान करेगा। ठीक, तो मान लिया एक ए और बी, इसका भी सेलिंग प्राइस कुछ है, इसका भी सेलिंग प्राइस कुछ है, ठीक है ना। मान लेता हूं फिलहाल के लिए, मान लेता हूं इसका सेलिंग प्राइस एक्स है, इसका भी सेलिंग प्राइस एक्स है। इसमें लॉस हुआ कितने का, 10% ही मान लो, इसमें भी लॉस हुआ 10%। अब मैं 100 मान के भी कर सकता हूं, 100 मान के यहां आएगा, मैं 100 मान लेता हूं। आप में से कई कमेंट में कहेंगे 100 मान लो, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं बस एक आइडियोलॉजी सेट कर रहा हूं कि जो सही है उसी से करना चाहिए। यहां 100 से भी आएगा आंसर, तो सीपी कितना होगा, सिंपल है ना, सीपी कैसे निकलता है, 100/100 - loss × SP, ये फॉर्मूला होता है, परसेंटेज होता है, तो 100/90 × 100, तो 1000/9, ठीक है। और यहां पे सीपी कितना आएगा, सॉरी ये प्रॉफिट,
अच्छा 1000/9 इसका हो गया क्योंकि लॉस वाला फॉर्मूला है, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला 100/100+ प्रॉफिट × SP तो जाएगा 100 × 100/110, तो 1000/11। अब ये दोनों आपके पास क्या आ गए, सीपी, इनको ऐड करोगे तो टोटल सीपी आ जाएगा, क्या आ जाएगा टोटल सीपी। चलो हम कर लेते हैं, 99 LCM आ गया, 1000 कॉमन लिया, 11 जमा 9, तो 1000, 20 और 99 प्रतिशत में कैसे निकालते हैं। अच्छा पहले तो टोटल एसपी कितना है 200, टोटल एसपी 200 है और ये टोटल सीपी है, तो कौन बढ़ा है, सीपी बढ़ा है, मेरे को तो कैलकुलेशन याद है, तो सीपी ग्रेटर है एसपी से, और मैंने बताया था जब भी सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा तो आपका क्या होगा, लॉस होगा, क्या होगा लॉस होगा। अब सुनते रहना, पहले पूरा देखना फिर मैं जो कहूंगा सुनना, ठीक है ना, मतलब सुनते भी रहना लेकिन जिस चीज पे हाईलाइट करूं उसे ध्यान देना। देखो तो लॉस हो गया, लॉस कैसे निकलता है, सीपी माइनस एसपी, 1000 × 20/99 − 200, एलसीएम आ गया 99, तो 1000 आप चाहो तो 200 कॉमन ले लो, 10 इसके साथ ले लिया, यहां बचा 100 और वहां क्या बचेगा 99, 100 में से 99 गया 1, तो 200/99 ये आ गया लॉस, और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP × 100, देखते रहे ना फिर क्या बताएंगे। इसको मैं यहां सॉल्व कर, देखो लॉस कितना आ गया 200/99, सीपी, सीपी कितना है आपके पास, टोटल सीपी ये रहा 1000 × 20/99 × 100, 99 से 99 गया, 200 से 200 चला गया और इस 100 से 100 चला गया 1%, यानी कि 1% का लॉस हो गया। अब सुनना, अब जो इस तरीके के कंसेप्ट से कर रहा है वो कंपटीशन में सरवाइव नहीं कर पाएगा, कॉस्ट प्राइस वाले में तो चल जाएगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस को हम 100 मान के कैलकुलेशन आसान हो जाती है, कॉस्ट प्राइस को 100 मान के कैलकुलेशन आसान हो जाती है, लेकिन सेलिंग प्राइस में नहीं चलेगा, सेलिंग प्राइस में नहीं चलेगा, वहां 100 मान के कैलकुलेशन आसान नहीं होती है। इसलिए जब भी सेलिंग प्राइस सेम आ जाए, जब भी सेलिंग प्राइस सेम आ जाए तो आप उसके लिए, कहां गया ये, आप उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे क्या, X²/100, और हमेशा क्या होगा लॉस होगा। इसी क्वेश्चन में देख लो, एक जगह 10% का प्रॉफिट था, एक जगह 10% का लॉस था, तो x है क्या 10 है, तो यहां रख दो 10² / 100, यानी कि 100/100, यानी कि 1%, और 1% का क्या हो गया लॉस हो गया, क्या हो गया लॉस हो गया, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां पे ये फॉर्मूला रामबाण है, सेलिंग प्राइस वाले केस में ये फॉर्मूला क्या है, रामबाण है, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। चलो अब मैं आपको थोड़ा और एडवांस बनाने की कोशिश करता हूं। अब जो चौथा केस है ना, जो फोर्थ केस है, कई लोगों को ये लगता है कि जो ट्रिक्स बना रहे हैं वो भगवान है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम जैसे आप जैसे ही ट्रिक्स बना रहे हैं, बस उस चीज को फोकस कर रहे हैं, उस चीज को गहराई में जिसे उसके पैसे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ट्रिक्स वगैरह जनरली टीचर्स ही बनाते हैं जो या तो कहीं पढ़ा रहे होते हैं या फिर कोचिंग वगैरह में इनकी बच्चों की तैयारी करा रहे होते हैं, क्योंकि बेस्ट बनना है, ठीक है ना। चलो हम भी कोशिश करके दिखाते हैं आपको। देखो फोर्थ केस क्या था, समझ रहे हैं, वीडियो बहुत काम किया लेकिन मुझे पता देखेगा कोई नहीं, बस यही पूछेंगे कि कब आएंगे, ठीक है ना। देखो सुनना, केस फोर में दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, मान लिया एक्स, इसका प्रॉफिट परसेंट पी मान लो, इसका लॉस परसेंट एल मान लो, इसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी होता है 100/100+ प्रॉफिट × SP, इसका सीपी कितना हो जाएगा 100/100 − लॉस × SP, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, आपने ये एक्स, अच्छा सी एसपी को एक्स माना मैंने, हाँ ना एक्स, ठीक है ना, तो 100x तो कॉमन आ गया, इधर बचा 1/100 + P + 1/100 - L,
चाहो तो एलसीएम ले लो। मैं बताता हूं कौन ट्रिक्स कहां से बनती है। ऐसा नहीं है कि जो ट्रिक बना रहा है वो भगवान है, ठीक है ना। तो 100 माइनस एल प्लस 100 प्लस पी, तो 100 एक्स 200 प्लस पी माइनस एल अपॉन 100 प्लस पी 100 माइनस एल, ये आ गया टोटल सीपी। अब आपको मैंने बताया था आपको एक और चीज चाहिए होती है, एसपी, टोटल एसपी कितना हो जाएगा 2x। आप मुझे सोच के बताओ 2x बड़ा होगा ये बड़ा होगा, तो हम मान लेते हैं 2x बड़ा है, ठीक है ना। तो 2x में से माइनस करेंगे 100x 200 प्लस पी माइनस एल अपॉन में 100 प्लस पी 100 माइनस एल को, एलसीएम आ जाएगा 100 प्लस पी 100 माइनस एल। ये वहां गुणा होगा, देखते रहे ना। आपको ये कैलकुलेशन याद नहीं करनी है, पहली बात तो ये। पता नहीं कई लोग ये सोच रहे होंगे कि हम ये याद कैसे करेंगे, याद नहीं करनी है, इससे जो मैं रिजल्ट बनाऊंगा उसे याद करना है। और आपको ये दिखा रहा हूं कि कैलकुलेशन बनती कैसे। देखो एक्स कॉमन ले लिया, यहां बचा 2 के साथ इसकी गुणा, 2 के साथ 100 प्लस पी 100 माइनस एल, और यहां क्या बचा, माइनस का 100 तो है ही, एक्स तो मैं बाहर ले चुका हूं, 100 के साथ अंदर है 200 प्लस पी माइनस एल, ये आपका क्या हो गया, एसपी माइनस सीपी हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया। अब मुझे निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, देखते रहना, यहां मिटा देता हूं। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट वो होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, प्रॉफिट ये रहा, अपॉन में सीपी रख दो, सीपी क्या है ये रहा 100 एक्स 200 प्लस पी माइनस एल अपॉन में 100 प्लस पी 100 माइनस एल। इससे तो ये कट गया सबसे पहले, और हमें पहले ही पता था कटेगा, बस हम लिख रहे थे आपके लिए, ठीक है ना। और गुणा सॉल्व ये परसेंटेज का, अब मैं इसे यहां करता हूं सॉल्व, और इससे जो रिजल्ट आएगा वो आपके लिए क्या होगा, कीमती। लेकिन मैं बस ये दिखा रहा हूं कि कैलकुलेशन कैसे करी जाती है और आपको क्या क्या छुपाया जाता है, तब जाके एक ट्रिक बनती है। अगर इसकी कदर करोगे तो सीख जाओगे, और नहीं करोगे तो भागते रहोगे और सोचोगे ऐसा कौन इंसान है जो आपको बेस्ट सिखा दे। देखो मैं लिख देता हूं एक्स है यहां पे 200 प्लस पी 100 माइनस एल माइनस 100 प्लस पी माइनस एल, नीचे ये बचा 100 एक्स 200 प्लस पी माइनस एल। तो पहले एक्स से तो एक्स काट दो, एक्स से तो एक्स काट दो। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, अगर आप चाहो तो ये भी फॉर्मूला बन सकता है, लेकिन हम इसे और सिंप्लीफाई करते हैं, और सिंप्लीफाई करके एक रिजल्ट आएगा, वो केस 4 का रिजल्ट होगा, और फिर मैं इन चारों रिजल्ट को एक साथ लिखूंगा, और आपने ये चारों रिजल्ट याद करने हैं। लेकिन ये सीखना भी है कि ये रिजल्ट आए कहां से, क्योंकि जब तक ये नहीं सीखोगे कि ये रिजल्ट आए कहां से, आप लोगों को इनकी अहमियत नहीं पता चलेगी और आपको याद करने में बहुत मुश्किल होगी। जब आप ये देखोगे ना बार बार कि यार टीचर ने इतनी मेहनत करके रिजल्ट लाया, तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। तो देखो देखो आप चाहो तो इसे गुणा ही करो, अब कोई चारा नहीं है, ठीक है ना। 200 प्लस 2p मल्टीप्लाई 100 माइनस एल, यहां पे माइनस 20,000 प्लस सॉरी माइनस माइनस 100p प्लस 100l, ओके आगे माइनस है, ठीक है ना, माइनस हो जाए मल्टीप्लाई, नीचे हो गया 100। इसे मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं कटेगा। चलो इसकी गुणा इससे करोगे तो कितना हो जाएगा, 20,000, ये 20,000, ये 20,000 कटेगा, माइनस 200 गुणा एल 200 एल,
ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। फिर प्लस 200p माइनस 2pl, ये मल्टीप्लाई करके आगे पीछे क्या था, माइनस 20,000 माइनस 100p प्लस 100l अपॉन में 100, 200 प्लस पी माइनस एल, इससे कट गया, ये माइनस नहीं है, इक्वल टू है, ठीक है ना। अब देखो यहां 200p है और यहां क्या है 100p, 100p बचेगा, 100p 200l और 100l, तो माइनस 100l माइनस 2pl अपॉन में 100, 200 प्लस पी माइनस एल। आप क्या कर सकते हो, इसे स्प्लिट कर दो इन दो को और इस अकेले को, तो देखो उन दोनों में से 100 कॉमन आएगा, क्या बचेगा p माइनस एल, और नीचे क्या लिखोगे 100, 200 प्लस p माइनस एल, और वहां पे भी 2pl के नीचे 100, 200 प्लस p माइनस एल, इस 100 से 100 चला गया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब इसके ज्यादा स्प्लिट इसे करना चाहो कर सकते हो, ये रहा। तो इसीलिए केस फोर है, इसीलिए मैं क्या करता था, सुनना, अब मैं अपना बताता हूं, सुने, क्योंकि आपकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मैं ना इन चारों केस में से, इन चारों केस में से इस वाले का शॉर्ट ट्रिक नहीं करता था, इन तीनों के शॉर्ट ट्रिक कर लेता था। क्यों? पहली बात तो ये चार में से अकेले की प्रोबेबिलिटी है 25%, और इसके लिए जो फॉर्मूला था ना, ये काफी कॉम्प्लेक्स था, ये काफी कॉम्प्लेक्स था, जो कि मुझे याद नहीं होता था, मैं अपनी बात बता रहा हूं। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को, टाइप फोर को, डायरेक्ट कंसेप्ट से करता था, और कंसेप्ट क्या है, वही है जो मैंने अभी ट्रिक में करा, कि पहले मैं दोनों सीपी निकालता, फिर सीपी को माइनस करता। लेकिन अगर आप फॉर्मूला याद कर सकते हो तो आप इससे कर सकते हो। और ये चार जो मैंने टाइप बताए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और आपके आने वाले एग्जाम में DSSSB हो चाहे KVS हो, आपको ये चारों में से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। थैंक यू।